हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंडे से मैं लीव पे जा रहा हूँ। जी सर, मंडे से मैं भी जा रही हूँ। सकलानी सर ने छुट्टी मंजूर कर दी है। लेकिन तुम छुट्टी मनाने नहीं जा रही, समझ रही हो ना? जी। मीनू, हमें अपने प्लान पे 100% फोकस रखना। जी सर, प्लान जितना आपका है उतना ही हमारा है। गुड। उफ़ो। क्या हुआ? सकलानी ने तुम्हारी मीनू को छुट्टी दे दी है, मतलब मेरा पत्ता कट। तुम्हें भी मंडे से छुट्टी चाहिए? इसी मंडे से क्यों? और तुम्हें भी 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए? सर, वो मेरी माँ बहुत बीमार है तो बाबूजी ने बुलाया मदद के लिए। अजीब बात है, डॉक्टर चोपड़ा और मीनू को भी मंडे से ही छुट्टी चाहिए और अब तुम भी, ये हो क्या रहा है? सर, मुझे तो एक अरसा हो गया अपनी माँ को देखे हुए, सर इसलिए जा रहा हूँ। तुम तीनों एक साथ छुट्टी जा रहे हो? तीनों मिलकर कोई प्लान कर रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं सर, ये तो बस इत्तेफाक है। छुट्टी मंजूर कर रहे ना सर? ले लो छुट्टी और कर दो मेरे हॉस्पिटल की छुट्टी, जा। थैंक यू सर। हॉस्पिटल एक अति महत्वपूर्ण एसेंशियल सर्विसेज में गिना जाता है। इंसान के दिल की धड़कनों की तरह हॉस्पिटल का काम भी रुक नहीं सकता। ऐसे में रेगनपुर के एक हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर पंकज चोपड़ा, नर्स मीनू झा और एक वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला एक साथ एक ही दिन छुट्टी पर जाते हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी प्लानिंग थी? दवाइयों की महक के बीच क्या यहां कोई क्रिमिनल साजिश की बू आ रही थी? अरे सुदर्शन, बबलू भैया इधर आओ, इधर कुछ है। सर, मेल बॉडी है, सर कटा हुआ। कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं। आसपास चेक करो। सर, सर यहां पर कुछ है। सर खोलो। सर औरत है, इसका भी सर नहीं है। दोनों सर ढूंढो और एम्बुलेंस बुलाओ।
सर। मेरा नाम विकास शर्मा है सर। सुबह सोच ही ले आया तो यहाँ बोरी पड़ी थी, खून देखकर मैं बहुत घबरा गया, तुरंत दूसरे लोगों को बुलाया। किसी को देखा यहाँ पे, किसी अजनबी को? नहीं सर। जब आप सुबह यहाँ पर आए थे आप आसपास का पूरा इलाका छान मारा है, कहीं कुछ नहीं मिला, लगता पानी में ढूंढना पड़ेगा। बुला गोताखोरों को, सिर तो ढूंढने पड़ेंगे, जब तक सिर नहीं मिलेंगे तो शिनाख्त कैसे होगी सर? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दो दिन से उनका कुछ पता नहीं, घर आने वाले थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आशा बेटा धीरज रखो, हो सकता है सोमेश को अस्पताल में कोई जरूरी काम आ गया होगा। तो फोन करते ना, किया है क्या कभी उन्होंने ऐसा? बाबूजी आप अस्पताल में फोन कीजिए, वहां से जरूर कुछ पता चलेगा। सर्वकृपा हॉस्पिटल, मैं वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला का पिता बंसी शुक्ला बोल रहा हूँ, मुझे सोमेश से बात करनी है। पर सोमेश शुक्ला यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? नहीं, दो दिन पहले ही छुट्टी पर गया वो। लेकिन वो तो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। पता नहीं, आप उसके मोबाइल पे ट्राई कीजिए। ठीक है, सोमेश अस्पताल में नहीं है, दो दिन पहले ही निकल गया है। बाबूजी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। ये दोनों चाबियाँ किसी घर के ताले की लगती हैं और ये किसी अलमारी या ड्रॉर की चाबी हैं। सर कुछ मिला? ये दोनों सिर उन दोनों बॉडी से मैच होने चाहिए। ये डबल मर्डर है या फिर डबल मर्डर। तालाब से बरामद हुआ एक सर सर्वकृपा हॉस्पिटल के वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला का था और दूसरा सर उसी हॉस्पिटल की नर्स मीनू झा का था। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या ये धड़ इन्हीं दोनों के थे या फिर ये धड़ किसी और के थे। कई सवाल उठ रहे थे, क्या ये डबल मर्डर का केस था या फिर डबल मर्डर का केस था। सर्वकृपा हॉस्पिटल में आखिर इतना भयंकर क्या पनप रहा था? आने वाले दिनों में हर सवाल का जवाब एक और सवाल बनता दिखाई दिया। क्या नाम बताया आपने हॉस्पिटल का? सर्वकृपा हॉस्पिटल, रेगलपुर, उत्तराखंड में पड़ता है साहब। आपने वहां फोन करके पता किया? साहब वो लोग कह रहे थे दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर निकल गया था, तब से फोन भी बंद आ रहा है। ठीक है, हम लोग पता लगाते हैं। दोनों सर बॉडीज मैच कर रही है,
लाशें मिलने से कत्ल उससे ज्यादा 12 घंटे पहले हुआ होगा, यानी कि 25 अगस्त। दंडवर शिनाख्त करवाओ। रबीपुर के हरिजाल के घर वाले आइए। बोलो जाइए। सर, आसपास के इलाकों में कुल 35 मिसिंग कंप्लेंट्स थे। सभी मिसिंग कंप्लेंट्स वाले आए, लेकिन किसी कंप्लेंट मैच नहीं हुई। मतलब विक्टिम आसपास के इलाके से तो नहीं है? जी सर। सर, ये लाशें जहाँ से मिली हैं वो जगह जवीना नगर स्टेट हाईवे से दूर है। इसका मतलब या तो उन्हें लाके मारा गया या फिर मार के लाया गया। जो भी हो, कोई ना कोई गाड़ी जरूर इन्वॉल्व हुई होगी। हाईवे जवीना नगर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में एक टोल नाका पड़ता है जिस पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। सर, हमें 25 और 26 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। सर, ये रही 25 और 26 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज। थैंक यू। हम लोग सोरिकपुर पुलिस स्टेशन से आए, वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला के बारे में पता करने। सोमेश शुक्ला? जी सर। वो तो मंडे को ही छुट्टी पर चला गया। कुछ बताकर गया किसी को कि कहां जा रहा है? वो तो पता नहीं सर। हाँ, पर उनके फादर का भी फोन आया था। सर, आप उनकी वाइफ मीनू के फोन पर ट्राई कीजिए ना, वो दोनों मंडे को साथ ही छुट्टी पर चले गए थे। सोमेश की वाइफ मीनू? जी, वो यही काम करती है, नर्स है। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर दो सोमेश शुक्ला काम करते हैं क्या? क्योंकि जिस सोमेश शुक्ला को हम ढूंढ रहे हैं उसकी वाइफ आशा शुक्ला है, वो सोरिकपुर में रहता है। नहीं नहीं सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सोमेश की वाइफ का नाम मीनू झा ही है और वो दोनों हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ क्वार्टर्स में साथ में रहते हैं। सर, मुझे इस मीनू झा का फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। सर, उनका नंबर है 4445589 74 और इनके पेरेंट्स कागरोली में रहते हैं। The number you have called is currently switched off. सर, मीनू का फोन बंद आ रहा है। कागरोली यहाँ से तकरीबन 5 घंटे की दूरी पर है। फॉर्म में उसके घर का लैंडलाइन नंबर भी है, कॉल करके देखो। जी नहीं, मीनू तो यहाँ नहीं आई और ना ही वो आने वाली थी। आपकी बेटी रेगनपुर में काम करती है ना? जी हाँ, सर्व कृपा अस्पताल में नर्स है वो। मीनू का हस्बैंड भी वहीं काम करता है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मीनू का तो डिवोर्स हो चुका है और उसका एक्स हस्बैंड यहीं कागरोली में रहता है। यहाँ के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपकी बेटी का पति सोमेश शुक्ला है, जो यहाँ पे वार्ड बॉय है, और ये दोनों स्टाफ क्वार्टर्स में एक साथ रहते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सोमेश सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। पर आखिर आप बता क्यों नहीं रहे कि मामला क्या है? शाह साहब, मैं नहीं जानता हूँ। उसका फोन भी बंद आ रहा है। और हमारी मीनू? इस वक्त तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मीनू का फोन बंद आ रहा है। हम यहाँ सोमेश शुक्ला को खोजने आए। अगर मीनू आपको कॉल करती है तो आप मुझे तुरंत इस नंबर पे कॉल कीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट। 4449-7745। किसका फोन था? क्या हुआ हमारी मीनू को? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि सोमेश और मीनू पति पत्नी है, जबकि सोमेश के माँ बाप और उसकी पत्नी आशा शुक्ला हमारे पास आई थी उसकी मिसिंग कम्प्लेंट लिखाने। इस मीनू झा के फादर भी कह रहे हैं कि मीनू का डिवोर्स हो चुका है और सोमेश उसका केवल अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। और सोमेश गायब है और मीनू भी गायब है। शायद दोनों गायब हैं या गायब होने का नाटक कर रहे हैं। ये शायद दोनों को गायब करवा दिया गया है। लोकल पुलिस से कुछ पता चला? नहीं सर, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। आगे बढ़ो। सर, ये 25 तारीख तक का पूरा फुटेज देख चुके हैं, 26 का देख लेते हैं। सर, रेगानपुर थाना सोरिकपुर पुलिस से फोटो आई हुई है, वो लोग इस बंदे को ढूंढ रहे हैं। सर, ये फोटो लास्ट से मिलती है। बंदे का नाम सोमेश शुक्ला सर, रेगानपुर के सर्व कृपा हॉस्पिटल में वार्ड बॉय काम करता था। सर, रेगानपुर तो ऐसे नज़दीक है, 1 घंटे की दूरी पर। और लड़की? वो लोग कह रहे हैं कि सर, लड़की के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है।
ये लड़का हॉस्पिटल से एक लड़की के साथ गया था, लेकिन लड़की कौन थी, उसकी दोस्त थी या पत्नी, कुछ क्लियर नहीं। एक काम करो, हॉस्पिटल से लड़की की तस्वीर मंगवाओ, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। जी सर। फोटो से डाउट नहीं है कि लाशें इन्हीं दोनों की है। फोटोज तो मैच हो रही हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या था, ये अभी भी डाउट है। शायद ये डाउट ही इस डबल मर्डर की वजह रही होगी। सर क्या हुआ राधिका? पुलिस का फोन आया था सर, उन्हें बॉडीज मिली है सर। किसकी बॉडीज? मीनू और सोमेश की। क्या कह रहे तुम, कब मिली है बॉडीज? सर वो कह रहे थे कि 5 दिन पहले मिली। 5 दिन पहले तो वो दोनों छुट्टी पर गए थे, डॉक्टर चोपड़ा भी छुट्टी पर गए थे। मंडे से मैं लीव पे जा रहा हूँ। सकलानी ने तुम्हारी मीनू को छुट्टी दे दी है। तुम तीनों एक साथ छुट्टी जा रहे हो, क्या कोई प्लान है क्या तीनों का? मुझे पहले ही शक था कि डॉक्टर चोपड़ा, मीनू और सोमेश के बीच कुछ था, कोई प्लान था। सर्व कृपा हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों वार्ड बॉय सोमेश शुक्ला और नर्स मीनू झा का कत्ल हुआ था। वो दोनों उसी दिन से छुट्टी पर थे जिस दिन से हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर पंकज चोपड़ा छुट्टी पर गए थे। सोमेश और मीनू का असली रिश्ता एक अवैध दलदल में धंसा हुआ था, लेकिन इस कहानी का अतीत भी कुछ कम धुंधला नहीं था। इस धुंध में ओझल था इस डबल मर्डर का मकसद, इस खून से सिंचे कीचड़ में छुपी थी कातिल की पहचान, और इस राज के अंधेरे में कैद थी डॉक्टर पंकज चोपड़ा की भूमिका। जावीना नगर और सोरिकपुर के 4 पुलिस ऑफिसर 4 से कई ज्यादा दिशाओं में खींचे जाने वाले थे, और इन सब के बीच दबी थी उन लोगों की आह जिन्होंने अपनों को खोया था। किसी मीनू से उनकी शादी हुई थी, ये जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। आप मीनू को जानती थी? नहीं, कभी नहीं मिली। वो अक्सर उसका जिक्र किया करते थे, दोस्त कहलाते, सिर्फ दोस्त थी उनकी। क्या बताऊं सर, सुमेश तो हमारी बेटी के भाई जैसा था। शादीवादी की बातें सब बेबुनियाद है सर। क्या सुमेश और मीनू की दोस्ती काफी पुरानी थी? जी, लेकिन वो लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हस्बैंड वाइफ थे ये दोनों, हमारे रिकॉर्ड्स में भी और रहन-सहन में भी। 1 साल पहले इन दोनों ने एक साथ ही हमारे यहाँ ज्वाइन किया था, और डॉक्टर चोपड़ा की रिकमेंडेशन पे स्टाफ क्वार्टर्स में हमने इन्हें रूम भी दे दिया था। और डॉक्टर चोपड़ा? जी, वो हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। जिस दिन मीनू और सुमेश छुट्टी पर गए, डॉक्टर चोपड़ा ने भी उसी दिन छुट्टी ली? जी हाँ, मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है। डॉक्टर चोपड़ा इस वक्त कहाँ है? नो आइडिया। आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया, उन्हें बताया नहीं इन मर्डर्स के बारे में? कैसे कांटेक्ट करता, मैं हर 2 घंटे में उनको फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नंबर दीजिए। ये उनका कार्ड और डॉक्टर चोपड़ा का एक फोटोग्राफ भी। जी, ये है डॉक्टर चोपड़ा। मीनू पहली बार सुमेश से कब मिली थी? हमारे काकरोली में, वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था, विजयव्रत अस्पताल। मीनू वहाँ पर नर्स का काम करती थी, और सोमेश को भी वहाँ पर काम मिला था। विजयव्रत अस्पताल में सोमेश काम करता था, कागरोली गांव में। बहुत मेहनत करता था हमारा लड़का। मीनू वहीं मिली थी उससे? हाँ, विजयव्रत अस्पताल में ही दोनों मिले थे। हेलो
जाइए आप जाइए जाइए ना प्लीज लेडीज पहले देखिए जाइए वरना बाकी पेशेंट्स की गाड़ी छूट जाएगी ठीक है नाम क्या है तुम्हारा सुमेश शुक्ला तुम मीनू जाओ ना सब पहचानते तुम्हें पता है सुमेश हमारी मीनू की बहुत इज्जत करता था वो दोनों उस अस्पताल में बहुत खुश थे तरक्की भी कर रहे थे फिर एक साल पहले वो अस्पताल बंद हो गया क्या मीनू और सोमेश ने एक साथ सर्व कृपा हॉस्पिटल ज्वाइन किया था क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग फॉर्म्स के मुताबिक उनकी ज्वाइनिंग डेट्स एक ही हैं वो भी पति पत्नी के नाते जी नहीं उन दोनों ने साथ में काम करना ज़रूर शुरू किया था पर पति पत्नी के नाते नहीं मीनू को वहाँ पहले नौकरी मिली थी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ पापा मैं एक नर्स हूँ दुनिया का ख्याल रखती खुद का नहीं रख सकती क्या बात वो नहीं है मीनू पर हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है हर चीज मतलब कौन सी चीज एक ही ना दुनिया क्या कहेगी दुनिया इसी दुनिया के सामने हम एक बार शर्मिंदा हो चुके हैं ना मैं जानती थी तुम इस बात का जिक्र जरूर करोगी ठीक है छोड़ देती हूँ ये बात और तुम भी इस बात को यहीं खत्म करो और तुम कहीं नहीं जा रही बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो और रेगानपुर यहाँ से काफी दूर है और एक अजनबी शहर है बेटा पापा डॉक्टर चोपड़ा कोई अजनबी है क्या वो भी वहाँ जॉब कर रहे हैं उन्हें मेरा काम पसंद है उनके वहाँ होते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी ये सब बातें छोड़ो बस तुम वहाँ नहीं जा रही बस माँ मीनू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी जिद्दी थी बहुत जिद्दी तो फिर आपने उसे जाने कैसे दिया वो दो दिन बाद सोमेश हमारे घर आए लेकिन बेटा पहले ये तो बताओ कि खुशखबरी क्या है अरे अंकल मुझे नौकरी मिल गई है अच्छा अरे वाह बेटा बहुत बहुत बधाई लेकिन कौन से हॉस्पिटल में आंटी एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है रेगानपुर में सर्व कृपा हॉस्पिटल लेकिन अंकल आंटी मैं ये नौकरी तभी ज्वाइन करूंगा जब मीनू भी वहां ज्वाइन करेगी वरना नहीं करूंगा मैं हूं ना वहां पे इसका ध्यान रखने के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए ठीक है बेटा तुम वहां पर होगे तो हमें चिंता नहीं होती बेटा सोमेश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हाँ अंकल कहिए बेटा वो अनिल वहां भी पहुंच सकता है अंकल अनिल और मीनू के तलाक को इतना लंबा समय हो चुका है आप लोग अभी उससे इतना क्यों डरते हैं बेटा उसने मीनू को और हमको धमकी दी है वो मीनू से बहुत गुस्सा है बेटा अंकल मैं हूं ना वहां पे उसके साथ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वो मीनू को कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है बेटा ठीक है अपना ख्याल रखना अच्छे से रहना बेटा चले सुमेश सबकी मदद करता था दोस्तों के लिए जान देता था सब और मीनू कोई अलग नहीं थी वो सिर्फ एक दोस्त थी हमारी मीनू शादी के खिलाफ थी उसने एक टूटी शादी झेली थी वो जिंदगी में कभी दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी इस हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर पंकज चोपड़ा वो पहले विजयव्रत हॉस्पिटल में थे फिर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया और मीनू को भी यहाँ पे जॉब दिलवाई सही है ये सिर्फ मीनू को ही नहीं सोमेश को भी उन्हीं की सिफारिश से वहां नौकरी मिली थी राठौर साहब हम डॉक्टर पंकज चोपड़ा के यहाँ जा रहे हैं डॉक्टर चोपड़ा मीनू और सोमेश को कागरौली से जानते हैं बात इतनी फैल चुकी है लेकिन उसने एक बार भी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है और उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है शर्मा जी हमारे सामने एक और नाम आया है अनिल श्रीवास्तव मीनू का उससे तलाक हो चुका है और मीनू के पिता का मानना है कि अनिल को मीनू पर बहुत गुस्सा था हाँ राठौर साहब लेकिन दोनों के पति पत्नी होने की बात अभी भी खटक रही है दोनों की फैमिलीज का मानना है कि उनका पति पत्नी होना नामुमकिन है जबकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स और बाकी लोग कुछ और ही कह रहे हैं हमें उन लाशों के पास चाबियों का गुच्छा मिला है
हो सकता है ये चाबियां उनके क्वार्टर्स की हैं। पिछले एक साल से वो दोनों यहाँ रहते हैं, सिंगल रूम एक डबल बेड। अनिल श्रीवास्तव के बारे में सुना आपने? मीनू का एक्स हस्बैंड? जी नहीं सर, मैंने किसी से सुना था कि मीनू डिवोर्सी है। डॉक्टर चोपड़ा से क्लोज थी मीनू और सोमेश भी, आपको वो ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 25 अगस्त से डॉक्टर चोपड़ा कहाँ है। मुझे नहीं पता, वो घर पर नहीं है। हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो गया और लगता नहीं है कि आपको कोई फर्क पड़ा है। क्या हुआ हॉस्पिटल में? मैं यहाँ नहीं थी। 25 अगस्त से आपके हस्बैंड से कोई बात नहीं हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, हमें काम नहीं होता है तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते। हम एक छत के नीचे जरूर रहते हैं लेकिन जिंदगियाँ दो हैं, अलग अलग। मिसेस चोपड़ा, उनके हॉस्पिटल के दो एम्प्लॉयज का गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। क्या? और आपके हस्बैंड का सेल फोन 6 दिन से स्विच ऑफ है, किसी को नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। देखे, मुझे लगा कि वो अपनी किसी कॉन्फ्रेंस पे गए होंगे, वो अक्सर जाया करते हैं। हमें नहीं लगता इस बार वो किसी कॉन्फ्रेंस में गए। डॉक्टर चोपड़ा भी उसी दिन छुट्टी लेकर निकल गए थे जिस दिन मीनू और सोमेश ने छुट्टी ली थी, और उसी दिन मीनू और सोमेश को किसी ने इस दुनिया से विदा कर दिया। सर्व कृपा हॉस्पिटल में आखिर क्या हो रहा था? एक टॉप के डॉक्टर डॉक्टर पंकज चोपड़ा, एक नर्स मीनू झा, एक वार्ड बॉय सुमेश शुक्ला, इन तीनों के बीच में ऐसा क्या गठबंधन था, ऐसा क्या कनेक्शन था जो इस हत्याकांड की जड़ मालूम हो रहा था? या फिर पुलिस गलत दरवाजे खटखटा रही थी, गलत ताले खोल रही थी? इस भयंकर नाटक के लहूलुहान रंगमंच पर अब एक नया पात्र दाखिल हुआ था, अनिल श्रीवास्तव, मीनू का भूतपूर्व पति और वर्तमान का मर्डर सस्पेक्ट। हाँ जी, मैं अनिल श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? यवीनानगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ। ओह, मीनू मर्डर केस को लेकर? मीनू और सुमेश शुक्ला मर्डर केस को लेकर आपसे कुछ बात करनी है, आकर मिलिए हमसे। सर, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मीनू के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि आपने मुझे बुलाया, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। मिस्टर अनिल, जब खुद कुछ नहीं कहते हम उनसे कहलवा लेते। मीनू को मारने की धमकी दी थी ना तुमने? वो मैंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा। कभी गुस्से में कत्ल भी तो होते हैं, बाकायदा गले कटे हैं। मेरा गुस्सा जायज था, मीनू ने मेरे साथ धोखा किया था, और वो मुझे क्या, किसी को भी धोखा दे सकती थी। तुम दोनों की शादी क्यों टूटी? 4 दिन की शादी कोई शादी होती है? छूना मत। ये क्या मजाक है? इस मजाक को शादी कहते हैं, जबरदस्ती की शादी। तो क्यों की? मैं अपने निजी मामले सिर्फ अपने निजी लोगों को बताती। देखो देखो, ऐसे शुरू नहीं करते नई जिंदगी, आज हमारी पहली रात है। मैंने कहा ना छूना मत, मुझे आज तक जिस जिसने छुआ है ना, सिर्फ मेरी मर्जी से। तीन रातें हम अलग अलग सोए,
दिन में वो एक शब्द भी नहीं बोलती थी और चौथी सुबह वो अपने घर चली गई। क्या मीनू का शादी से पहले कोई अफेयर था? एक अफेयर, कई अफेयर्स। बहुत गलत किया है मीनू ने और उसके माँ बाप ने मेरे साथ। मैं उनसे मिलने गया था। ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से। आप लोगों के गंदे दिमाग के सामने अपना दिमाग ठंडा रखूं मैं? देखो बेटा, मीनू ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, मैं मानता हूं। उसे तुमसे और तुम्हारे माता पिता से माफी मांगनी होगी और वो तुम्हारे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी। बेटा मेरा सिर काट के अलग कर दो, तभी वापस नहीं जाऊंगी उस घर में। मेरी नाक काटने के बाद ये सब कह रही हो तुम? देखो अनिल, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इन लोगों ने मुझसे जो करवाया वो मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं करती। अगर हो सके तो अपनी मर्जी से मुझे डिवोर्स दे। डिवोर्स इतनी आसानी से तो नहीं दूंगा। ऐसा दर्द दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। और तुमने डिवोर्स दे दिया? दे दिया और क्या करता। उस वक्त मैं गुस्से में था। सर एक बात बताऊं, ये सोमेश से दोस्ती वोस्ती ये सब बकवास है। मीनू का हर मर्द के साथ रिश्ता था, पूरे शहर में मशहूर थी अपने अफेयर्स के लिए। लेकिन फिर मीनू के माँ बाप ने उसे तुमसे शादी करने के लिए राजी कैसे किया? आई मीन जबरदस्ती की शादी? उसके बाप से पूछिए ना कि कैसे उसने मीनू जैसी लड़की को शादी के लिए राजी करवाया, वही बता पाएंगे। मुझे कैसे पता होगा? इतने सीनियर डॉक्टर से मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ कि वो छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं? किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए? इस हॉस्पिटल की तरफ से तो नहीं। मिस्टर सकलानी, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मीनू और सुमेश का मर्डर डॉक्टर चोपड़ा ने किया है या करवाया? मिस्टर सकलानी, क्या लगता है आपको, हाँ या ना? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। देखिए, मैं भी आपसे सीधे सीधे बोलूंगा, मुझे भी लगता है कि उन तीनों के बीच कुछ था। उन तीनों ने एक ही टाइम पर हमारे यहां ज्वाइन किया था, सबसे पहले डॉक्टर चोपड़ा, फिर उन्होंने मीनू को यहां लगवाया और फिर मीनू के कहने पर सोमेश को यहां पर सेलेक्ट किया। मीनू पर काफी भरोसा करते थे डॉक्टर चोपड़ा। उस लड़की में कुछ स्पेशल बात थी, नो डाउट। देखिए सर, मीनू के बारे में हम आपसे कुछ भी छुपा नहीं रहे। वो हमारी इकलौती बेटी थी, हाँ थोड़ी बिगड़ी हुई थी। थोड़ी बिगड़ी मतलब? मतलब पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज थी, पर थोड़ी सी दोस्ती यारी में उलझी हुई रहती थी। क्या कहना चाहते हैं? यही कि यार दोस्तों के साथ कभी कभार बियर बियर फील। वो आधी से ज्यादा बातें सिर्फ अफवाहें थी। मतलब आधी बातें अफवाहें नहीं, सारी गलती मेरी थी। पहले तो बहुत ज्यादा छूट दे दी बच्ची को, उसके बाद हद से ज्यादा सख्ती बरतने लगा। आपने क्या सख्ती बरती थी जिससे मीनू शादी करने के लिए राजी हो गई? आइंदा ऐसे लंगूरों की फोटो मत दिखाना मुझे। देख, अगर तूने इस रिश्ते को ठुकरा है ना तो बहुत बुरा होगा। अगर मैंने इससे शादी की तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनको हाँ कह चुका हूँ। तो अब ना कर दीजिए। ठीक है, तो तू अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। ये ब्लैकमेल है पापा। अच्छा, तो तू जो आज तक करती आ रही वो ब्लैकमेल नहीं है? छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर जाने की धमकी देना, ये ब्लैकमेल नहीं है? तू जानती है तेरा बाप कभी धमकी नहीं देता है। अगर तूने अनिल से शादी नहीं की तो तू मुझे जिंदा नहीं देख पाएगी। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो हो चुकी है, हम तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ आप समझाइए ना पापा को। समझने की बारी इस बार तेरी है, पर इतना याद रखना मीनू, अगर तेरे पापा ने कुछ भी कर लिया ना, मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी। हम मीनू के गुनहगार हैं सर, हमारे ही कारण वो शादी हुई और चार दिन में खत्म हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं सर, अनिल ही मेरी बेटी का कातिल है। उसने जो कहा वो कर दिखाया।
एक नया सस्पेक्ट, अनिल श्रीवास्तव, मीनू का एक्स हस्बैंड, और एक ऐसी लड़की मीनू जिसके कई अफेयर्स। सुमेश शुक्ला, जिसकी ऑलरेडी एक बीवी उत्तर प्रदेश में थी, पर जो रेगानपुर में मीनू के साथ क्वार्टर्स में रहता था, वो भी मारा गया। एक टॉप का डॉक्टर जिसका इन दोनों विक्टिम्स के साथ करीबी रिश्ता था, और जो अब ट्रेस ही नहीं हो रहा है। और शायद कभी ट्रेस होगा भी नहीं, क्योंकि शायद ये डबल नहीं ट्रिपल मर्डर, और एक और लाश मिलनी बाकी है। हो सकता है, हो सकता है कुछ तो ऐसा है जो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा, जो अभी तक हमें दिख नहीं रहा। क्लासेस के बाद जल्दी खाना आना, टाइम मत वेस्ट करना गप्पे मारने में। अरे पापा पा गए, लेकिन हम जा रहे हैं, हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है पापा। बेटा अपना ध्यान रखना, और तुम इसका ध्यान रखना, और ज्यादा मस्ती नहीं करना, ठीक है? अच्छे से खेलना। ओके 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 बेटा, बाय 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 बेटा, बाय 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 पापा, बाय बेटा, बाय बाय। कुछ पता चला पुलिस को मीनू और सुमेश के कातिलों के बारे में? नहीं। कितने बेरहमी से मारा है ना दोनों को। सब लोग बहुत टेंस्ड हैं, सारे पेशेंट्स हैं, ये सब जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। बोला सर। अंकल सब ठीक जा रहा है ना? अब तक तो सब ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेगा, तुम फिक्र मत करो। वो लोग हम तक पहुंच तो नहीं पाएंगे ना? देखो बेटा ऐसा है, उन लोगों ने प्लान बनाया था, ठीक है, वो प्लान बना रहेगा, तुम समझ रहे हो ना? प्लान क्या था ये प्लान? क्या इस प्लान का कोई जवाबी प्लान भी था? ये किन दो प्लान्स के बीच की कातिलाना कश्मकश थी? अक्सर क्राइम डिटेक्शन में पाया जाता है कि दो और दो चार नहीं होते, हर त्रिकोण का चौथा कोण निकल ही आता है। क्या मीनू और सोमेश के मर्डर केस में भी ऐसा ही कुछ था? अनिल श्रीवास्तव, मीनू का एक्स हस्बैंड जिसके अंदर बदले का लावा उबल रहा था, दूसरी तरफ नर्स मीनू, एक वार्ड बॉय सोमेश और एक सीनियर डॉक्टर पंकज चोपड़ा, इन तीनों के बीच कुछ अजीब सी नजदीकियां थी। मीनू और सोमेश के रिश्ते पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, लेकिन क्या यह केस इन चारों लोगों के चौकोनों में ही सीमित था? डॉक्टर पंकज चोपड़ा कहां थे? मीनू और सोमेश के रिश्ते की असलियत क्या थी? क्या वो दोनों को छुपा रहे थे? मीनू और सोमेश को मारकर किसे फायदा होने वाला था? क्या यह केस क्राइम ऑफ पैशन का केस था, या फिर एक क्राइम को छुपाने के लिए किसी दूसरे क्राइम को अंजाम दिया गया था? कातिल बेनकाब होंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में, देखिएगा जरूर। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।